जय श्री कृष्णा दोस्तों, ट्रैवलिंग फंडा में आपका स्वागत है। नया दिन नई शुरुआत और अभी हब्बे माउंट आबू और समय है सुबह के 6 और हम बस रेडी हैं बिल्कुल यहाँ से निकलने के लिए। बस एक बार इनका रिसोर्ट वालों का हिसाब कर दें और हिसाब करके हम चलते हैं सीधा यहाँ से जोधपुर के लिए। जो भी रास्ते के अंदर हमें अच्छा लगेगा वो आपको दिखाएंगे और बने रहिए हमारे वीडियो के अंदर आखिरी तक, लास्ट तक। और चलिए मिलते हैं रास्ते में। अभी भी निकलते निकलते हमें 7 बज गए और माउंट आबू से हमने बाय बाय कर दिया है और जा रहे हैं अब हम जोधपुर के लिए। तो चलिए, ये 22-23 किलोमीटर की पहाड़ियां हैं, इसे एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे प्लेन रास्ते में। मौसम अच्छा है यहाँ पर, दिन में थोड़ी गर्मी रहती है बट शाम होते ही मौसम एकदम मस्त हो जाता है, ठंडा। और ये जो महीना है अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने की स्टार्टिंग है, फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि मौसम अच्छा है माउंट आबू के अंदर। अकेला राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू, छोटा सा, प्यारा सा और मस्त सा। हमने यहाँ पर 2 दिन अच्छा एंजॉय किया और अपने साथ यादें माउंट आबू की लेके जाते हुए और यादों को हमने सजोया है अपने कैमरे की निगाह से, जो कि अब हमारे साथ जिंदगी भर ये यादें रहने वाली हैं। ये दोस्तों, हम माउंट आबू से नीचे उतर के आ गए हैं दिल्ली अहमदाबाद हाईवे के ऊपर और यहाँ से जा रहे हैं जोधपुर। ये जो बना हुआ रोड 6 लाइन का रोड है और बहुत ज़बरदस्त रोड बना हुआ है। गाड़ी जाती है यहाँ से सट जाती है एकदम। यहाँ बस ये है कि टोल जगह जगह आते रहते हैं तो वो ज़रा जेब आपकी कटती रहेगी, लेकिन हम बाइक पे हैं तो ज़रा हमारे को यही बचाव है कि हमारा टोल नहीं लगता। बाइक पर कार से आते हो तो भैया जेब ढीली रखना, जगह जगह टोल है।